बस मैं यहाँ पे अपने बेस्ट विशेस देने आया हूँ। मेरा दोस्त है, मेरी राखी सिस्टर है नैना, तो परिवार जैसी है, कुणाल, खुन्नू, करण, हमारा छोटा बड़ा भाई जैसा है मेरा, एक्चुअली छोटा भाई है, बुरा बन जाएगा बड़ा भाई बोलूँगा तो उसको मैं यहाँ पर बेस्ट विशेस देने आया हूँ। एंड आई विश तिग्मांशु ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। तिग्मांशु हमेशा अच्छी फिल्में ही बनाता है एंड यस होपिंग कि छोटी फिल्म लेकिन बिजनेस बड़ा करे। बस फिल्म में सुभाष चंद्र जी के बारे में बताई गई है जो जी, तो क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर? अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है। नहीं, एक एक फिल्म बनी थी, आई थिंक श्याम बेनेगल साहब ने बहुत बड़े स्केल पे बनाई थी वो फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म थी, मैंने थिएटर में देखी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही नाम था, श्याम बेनेगल साहब ने बनाई थी। बट आई थिंक ये इतने बड़े हीरो हैं हमारे देश के कि इन पे आई थिंक बहुत कम फिल्में बनी है, ज़्यादा फिल्में इन पे बननी चाहिए, बिकॉज हिज लाइफ वॉज ट्रूली वेरी पेट्रियाटिक एंड एडवेंचरस। आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है वो क्या देखना चाहती है और वो थिएटर में कौन सी फिल्म को। एक ज़माना था जब हम थिएटर में जाते थे पिक्चर देखने को, लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते थे, तो जब सेंसर सर्टिफिकेट आता था ऐसा लगता था कि फिल्म हम पे फेवर कर रही है। आज ज़माना ऐसा आ गया कि हमको ऐसा लगता है हम फिल्म पे फेवर कर रहे हैं थिएटर में जाके। चलो यार, ऐप पे टिकट बुक कर ली, थिएटर में जाके पिक्चर 15 मिनट चालू हो गए, मिस कर ली, यू नो, तो वो मैजिक सिनेमा का सिर्फ बड़ी फिल्मों में है या उन फिल्मों में है जो आपको ड्राइव करते कि घर से बाहर निकल के पिक्चर देखें। वरना बहुत सारे आजकल इतने सारे इंटरनेट के ज़रिए आ गए हैं कि ब्रांड न्यू पिक्चर 2 हफ्ते में इंटरनेट पे आ जाती है। मैं पायरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। तो फिल्म मस्ट बी समथिंग जो आपको घर से बाहर निकाले, थोड़ा सा बिग स्क्रीन एडवेंचर दे, जो हिंदी फिल्मों में अब कम होते जा रहा है और हॉलीवुड की फिल्मों में होता है। इसीलिए यू हैव मूवीज लाइक स्पाइडरमैन एंड फास्ट एंड फ्यूरियस डूइंग 50-50, 60-60 करोड़। % बननी चाहिए, बिकॉज ये क्या होता है, ये फिल्में, ऐसी फिल्में जो होती हैं, ये तीन ईज प्रोवाइड करती हैं, एंटरटेनमेंट, एनलाइटमेंट एंड एडुकेशन। एनलाइटमेंट एंड एडुकेशन हमको स्कूल में मिलता था, एंटरटेनमेंट मिलता नहीं था, क्योंकि वी ग्रो अप रीडिंग अबाउट दीज हीरोज ऑफ आवर्स। बट जब आप बड़े पर्दे पर इनको देखते हो, फिल्म के जिस तरह से दर्शाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का जरिया भी आता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी नोबल थिंग। I hope so. I'm always in the search of a good script. That's, yes. हाँ, sorry. सर, देखा जाए तो आज के समय में हर दो दिन की मूवीज आ जा रही है लेट पे, इस टाइम क्या कहना चाहेंगे सर? उतना चाहिए कि तू तेरा फोन बता। हाँ, तेरा फोन बता, मतलब तूने सब डिलीट कर दिया। आई थिंक जिस तरह से गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, GST बढ़ा रही है, जो अच्छी बात है, मैं नहीं बोला बुरी बात है, उस तरह से गवर्नमेंट को थोड़े स्टेप्स लेने चाहिए, ये भी सोचने के लिए कि हम एक इंडस्ट्री हैं, हमारा कल्चर फिल्में हैं, और ये इंडस्ट्री दीमक की तरह पायरेसी, इसको जो सब बोलते पायरेसी मत करो, बट सच्चाई ये है कि बहुत सारे फिल्म वाले भी डाउनलोड करते हैं दूसरों की फिल्में, अंग्रेजी फिल्में, टीवी शोज, तो ये पायरेसी पूरी तरह से इंटरनेट से गायब ही हो जाना चाहिए, जो एक मिनट में हो सकता है, फिर से चालू हो जाएगा 5 मिनट बाद, फिर से गायब करो, फिर से चालू हो जाएगा, बट ये एक ऑनगोइंग बैटल है। तो लोग जाएंगे कि उनको जब जरिया नहीं मिलेगा पायरेसी करने का, तो जाएंगे थिएटर में फिल्म देखने को, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को भी आ रहा है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मानती नहीं कि हम फिल्म इंडस्ट्री है, और ये सच है। सर, आपको लगता है कि ये जो पायरेसी होती है, जिसका मेन एक कारण है कि टिकट के रेट ज़्यादा? नहीं, काय को टिकट के रेट ज़्यादा है, आपको नहीं लगता? नहीं, आप ट्यूजडे को जाके देखो, 100 रुपये की टिकट है, 90 रुपये की टिकट है, तो फिर नहीं, आदत से मजबूर है पायरेसी करने को दोस्त, आदत से मजबूर है लोग, आदत से मजबूर है। पायरेसी 80s में भी था यार, वीडियो कैसेट आते थे, तभी भी चलती थी फिल्में, तभी 4 रुपये की 3 रुपये की टिकट थी, लोग आदत से मजबूर हो जाते हैं, जब फ्री में मिल रहा है तो काय को अपन सीट हिल रहा है। यही बात है, तो पायरेसी मत करो मेरे भाइयों, ओके? यस, अ लॉट यू हियर अबाउट, सॉरी, अ लॉट यू हियर अबाउट इट वेरी वेरी शॉर्टली, इट्स थोड़ा बहुत इधर उधर आते रहता है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई एम नॉट मेकिंग एज इट। मैं नहीं बताऊंगा, तू ही बताना मेरे भाई। कॉलम का
यू लाइक इट? या बट कहीं आपको मुसीबत तो नहीं हो जाती कई बार जो कुछ लिख देते हैं? सर सर दो मिनट आइए ना सर, बोलिए। चलो मेरा तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना यार। हाउ आर यू साजिद? आपके जो कॉलम से वो भी इतने पॉपुलर थे, कई बार दिक्कत तो नहीं फंस जाते कि किस बात की, किस बात की दिक्कत? मैं थोड़ी ना किसी की बुराई लिख रहा हूँ या किसी की भरपाई लिख रहा हूँ, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ अपने कॉलम से और मेरे दिमाग में चलते रहता है। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिकल रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क के टाइम पे होली के बारे में लिखूंगा, होली के टाइम पे दिवाली के बारे में लिखूंगा, तो मैं क्योंकि मुझे मालूम है कि जो टॉपिक ऑफ द वीक है उसके बारे में 10 लोगों ने ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैं टीवी पे जब करता था ऐसे ही करता था, टॉपिकल नहीं करता था, तो मैं आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स जो और दूसरे लोग कर रहे हैं। होपफुली मेरे मुझे भी फीडबैक मिलता है मेरे कॉलम्स का कि कोई किसी ने मुझे बोला कि आई एम द बेस्ट कॉलमिस्ट, मैं उस बात को नहीं मानता हूँ। मेरे बाप लोग हैं कॉलमिस्ट जो बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं। मैं लिखता इस जबान से हूँ कि आपको ऐसा पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर कर लेता हूँ। That is very brilliant and connective. But जैसे कई बार आप blind items जो लिखते हैं 90s. अच्छा, how do you know that those blind items are true and not a figment of my imagination? That's what I'm asking. So they can be a screenplay scene also. How do you know that? And who are these people? I'm not naming anybody. I'm not a detective. You know, so I'm putting up stuff which I get feedback from the readers as to what they want to read. I think बहुत कम columnists होते हैं जो readers से feedback लेते हैं। मैं feedback लेता हूँ कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जेन्युइनली मैं टीना का पढ़ता हूँ, ट्विंकल एंड श्वेता, श्वेता बच्चन, शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल, तो वो दोनों का कॉलम मैं कभी मिस नहीं करता। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कल पिक्चर रिलीज है और बहुत एक्साइटमेंट अंदर बिल्डअप हो चुकी है। फाइनली अब थोड़ा आराम करने का मौका मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते से हम सिटी टूर्स पे हैं और पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, तो आप बॉम्बे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आज पिक्चर की पहली स्क्रीनिंग है, तो वेट कर रहा हूँ, लोग बाहर आएंगे और रिएक्शन देंगे। और जो रिएक्शन अभी तक आए हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं पिक्चर को। लोगों ने बहुत तारीफ भी की है पिक्चर की और मुझे भी तारीफ मिल रही है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ख्याल से दोनों बहुत अलग किस्म की पिक्चरें हैं और आप एक पिक्चर फ्राइडे को देखिए और दूसरे सैटरडे को देखिए। कुछ नहीं, इसका जो ट्रेलर था हमने पार्लियामेंट में रिलीज किया, वो अपने में ही बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज अ बिग थिंग और ऐसा मौका जो है पिक्चरों को मिलता नहीं है, और हमारी पिक्चर को ऐसा मौका मिला। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके बाद इसका जो प्रीमियर हुआ वो राष्ट्रपति भवन में हुआ, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पॉलिटिक्स के जो दुनिया के जो सुपरस्टार हैं उनसे इतना बड़ा स्टैम्प मिल गया, हमें इतनी बड़ा अप्रूवल मिल गया है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जो लोग हैं वो निकल के अपने घर से निकले और 28 जुलाई को ये पिक्चर देखें रात देश। कुछ नहीं, अब तारीफ कर रहे हैं, लोगों को पिक्चर पसंद आ रही है, लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, और अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जल्दी से इसका अच्छा अच्छा रिस्पांस मिले। ये पिक्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, एक इंडिया के इंडिपेंडेंस की लड़ाई की कहानी है, और एक ऐसी कहानी जो इंडिया की हिस्ट्री को जो दिखाती है और इतनी एंटरटेनिंग वे में दिखाती है और इतनी इंगेजिंग वे में दिखाती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। इसके अंदर वॉर है, ड्रामा है, रोमांस है, ये एक पीरियड फिल्म है, तिग्मांशु गुलिया की डायरेक्शन है, और आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है ये लोगों को बहुत मज़ा आएगा। नहीं, हमारी पिक्चर में क्या है कि ये एक कोर्टरूम ड्रामा और एक वॉर फिल्म का कॉम्बिनेशन है, तो ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई की पिक्चर नहीं है। और वैसे भी ये इंडियन नेशनल आर्मी की पिक्चर है, 1940s की कहानी है,
तो पीरियड फिल्म है, तो उसका अपना एक टेक्सचर, अपना एक अलग रंग होता है उस पिक्चर का, उसका अपना मज़ा होता है। वर्ल्ड वॉर टू में पिक्चर सेट है, तो यू नो इसमें यूनिफॉर्म्स थी, इसमें आपकी लुक अलग थी, बात करने के ढंग में आपका डिक्शन थी, एक्सेंट था, तो एज एन एक्टर भी इसमें बहुत मेहनत करके हमने बहुत चीज़ें डालने की कोशिश की और अब अच्छा लग रहा है। नहीं, ये एक्चुअली जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स हुए थे, रेड फोर्ट ट्रायल्स, उन पे फोकस करती है और उसी पे फोकस करती है, और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी बताती है, ना कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो मनोहर कहानियाँ बनी कि वो मरे कैसे और क्या हुआ और क्या नहीं, उसको हमने कवर नहीं किया, हमने उनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश की। मैंने तो बस अभी शुरू हो जाएंगे एक एक करके, आप देखना सब आ जाएंगे, अभी एक स्क्रीन तो चल रही है ऑलरेडी, अभी मैं बस चाहता हूँ अंदर जल्दी से भागूँ और लोगों के रिएक्शन देखे हूँ, इंटरवल होने वाला है, तो उसके बाद फिर से आके बात करते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी रिएक्शन और लेके। ऑल राइट, थैंक यू। मेरे मुताबिक हिंदुस्तान में अगर ड्रामा कोई बना सकता है तो सिर्फ तिग्मांशु दुरिया बना सकते हैं, जिस तरह से वो स्टोरी बताते हैं, जिस तरह से रिसर्च करते हैं, हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं इस समय मैंने किसी भी सिनेमा मूवी देखी है जो इतना अच्छा ड्रामा का काम। यार दरअसल दो किरदारों में से दोनों मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, तीन में से कुणाल और अमित साथ बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एंड मोहित भी बहुत अच्छे हैं, बट मैं थोड़ा बायस भी हूँ। यार हर बात आपको नहीं लगेगी क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च की गई है, इतनी डिटेल किताबों में नहीं होती जिस तरह से तिग्मांशु ने रिसर्च की है। देखिए कैरेक्टर आप देखेंगे, हर कैरेक्टर अलग है, इंटेग्रिटी बहुत अच्छी मेंटेन की है, सो आप जितना भी जानते होंगे इंटरनेशनल आर्मी के बारे में वो कम होगा, आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यार मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, मैं आर्मी काफ़ी किरदार भी प्ले करता हूँ, ऑथेंटिसिटी बहुत है मूवी में, एक फ्लॉ मुझे तो नहीं दिखा, तो प्लीज़ देखिए मूवी बहुत अच्छी है। यार एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करने को ये सब सोचेंगे तो बहुत गंभीर मुश्किल। यार ये सब एक एक्टर को इतना सोचना नहीं चाहिए, और मेरे जिस लेवल पे हूँ मैं बिल्कुल शुरू किया हूँ, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स ये सब मुझे लगता नहीं है इतना ध्यान देना चाहिए, मुझे परफॉर्म कितना अच्छा करूँ और कितना अच्छा करूँ और कितना अच्छा करूँ उसे भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। एक साथ में फोटो सर, एक साथ में सर आडियो सर आपके साथ एक कुणाल सर है यहाँ पे सर, सामने सर
कुणाल सर वन मोर लेफ्ट गुड इवनिंग क्या है बिल्कुल सर it's always a state of nervousness and excitement. You're nervous about how the audience is going to react to it, and you're also excited because you know you put in so much work into a film, and it's reaching the audiences now, and you're excited that they're going to watch it. बहुत अच्छी बस क्रिएट हो गई है जी. दिल्ली भी गए थे, दिल्ली के हमारे संवाददाता वगैरह ने भी बताया काफी अच्छा माहौल आपने क्रिएट कर लिया है जी. अब कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये आजकल प्रमोशन बहुत ही ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो चुका है. बहुत ज़रूरी है कि आप जितने लोगों से बात कर सकें, जितने लोगों तक अपनी पिक्चर पहुंचा सकें, वो बहुत ज़रूरी है. तो हम अलग अलग शहरों के टूर कर रहे थे. दिल्ली में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमें मौका मिला प्रेसिडेंट को पिक्चर दिखाने का, और वाइस प्रेसिडेंट जी को भी उनके साथ हमने बातचीत की. उन्होंने हमें उनके एक्सपीरियंसेस बताए आईएनए के बारे में, शाहनवाज़ खान के बारे में. तो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हमारे. एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर दैट वी हैड अ चांस टू शो द फिल्म टू प्रेसिडेंट. एक्चुअली हमने जब राष्ट्रपति भवन में स्क्रीनिंग की थी तो जो रिश्तेदार हैं प्रेम सहगल के और शाहनवाज़ खान के, वो भी थे वहाँ पर. और शाहनवाज़ खान की पूरी फैमिली थी वहाँ पर, उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन, उनकी डॉटर इन लॉ, और उन सब ने आके मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा कि जो हमारे ग्रैंड फादर थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जिस तरह से आपने इनको प्ले किया है. तो मुझे लगता है जब आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले करते हैं आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मुझे लगता है कि अगर फैमिली को पसंद आए और उनको लगे कि आपने सही काम किया है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है. क्या आपकी फैमिली ने फिल्म देखी, योर एक्सटेंडेड फैमिली? जी जी बिल्कुल. नहीं, उन्होंने उनको मौका नहीं मिला अभी तक पिक्चर देखने का, बट आई वुड लव टू शो हिम द फिल्म. माय वाइफ हैज सीन द फिल्म एंड शी एंजॉयड इट अ लॉट. She watched the film at the Rashtrapati Bhavan as well. भाई अब ये कितनी बार इसके बारे में बात करेंगे हम जी. मेरा मानना है कि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह नेपोटिज्म है. आप कोई भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, कोई भी फील्ड में ले लीजिए. अगर मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, अगर मैं वो बिज़नेस ज्वाइन करता तो जाहिर सी बात है कि मुझे एडवांटेज होता बाकियों से जो बाहर से आ रहे होते. तो नेपोटिज्म हर जगह है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो हमारा देश है वो बदल रहा है, और हमारा जो लव अफेयर है लेगेसी से वो कम होता जा रहा है. तो वो हर फील्ड में दिखाई देता. अगर आप फिल्मों में देखें तो लॉट ऑफ आउटसाइडर्स आर ब्रेकिंग थ्रू. अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद आउटसाइडर हैं. अगर आप बिजनेस में देखें तो लॉट ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज एंड आवर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स. तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा रोमांस था लेगेसी से वो ख़त्म हो रहा है, और आजकल जनता ये नहीं सोचती कि आप कौन हो और किसके बेटे हो या किसके भतीजे हो, वो सोचती है कि आप क्या कर सकते हैं. जी अब इसके बारे में आज ना पूछें तो बेहतर, आज पिक्चर के बारे में बात करते हैं. भाई आई थिंक इट्स आई थिंक एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल. दिस इज माई स्टाइल एंड इफ पीपल थिंक दैट आई एम स्टाइलिश इट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट. राइट 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 बिल्कुल. एक
एक शो किया मैंने, एक्चुअली उसके 5 एपिसोड ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके हैं, उसका नाम है ग्रेट एस्केप और वो फॉक्स लाइव पे है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं एक दोस्त के साथ 10 दिन का हमारा जर्नी था धर्मशाला से लेकर स्पीति तक और बहुत ही डेंजरस रोड्स पे गाड़ियाँ चलाई, बहुत अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग लोगों से मिले, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नहीं बस ये 8 एपिसोड का शो है तो अभी मुझे लगता है 3 एपिसोड बाकी हैं उसके, अगर कुछ इंटरेस्टिंग आएगा क्यों नहीं है। मेरा मानना है कि आजकल वो जो एक डिस्टिंक्शन होता था कि फिल्मों वाले एक्टर सिर्फ फिल्म करते हैं, टीवी वाले एक्टर सिर्फ टीवी करते हैं, वो सब ख़त्म हो चुका है। अभी हर एक्टर हर किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुका है तो वेब शो आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टर वेब शो कर रहे हैं, सैफ अली खान भी वेब शो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जो एक डिस्टिंक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब एक्टर्स के लिए यही है कि जहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग वर्क मिले, चाहे वो पिक्चरों में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो वेब शो हो, आपको करना चाहिए। जी पूछिए आप सहयोगी जी। राइट जी, अभी उसकी शूटिंग की शुरुआत हुई है गोल्ड की, हम एक्चुअली पिछले 4-5 महीने से हॉकी की ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम आपस में मजाक करते रहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम हॉकी प्लेयर बन जाएंगे और हमारे जो कोच हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमें 4th डिवीज़न में खिलाना चाहते हैं जब पिक्चर ख़त्म हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शूटिंग अभी शुरुआत हुई है, रिलीज़ मुझे लगता है अगले साल अगस्त में है, तो काफ़ी समय है। अक्षय कुमार आ गए मुंबई, उनकी भी फिल्म आ रही है। जी उनकी भी आ रही है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी लग रही है पिक्चर। शी इज़ नॉट न्यू, आई थिंक वो टेलीविजन के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल टेलीविजन पे बहुत काम कर चुकी हैं, शी इज़ रियली फेमस ऑन टेलीविजन, बट आई थिंक दिस इज़ हर डेब्यू फिल्म इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। Got a chance to like interaction or on the screen? जी अक्षय के साथ ऑब्वियसली मौनी के साथ अभी तक काम नहीं किया मैंने। बिल्कुल बननी चाहिए, मेरा मानना है कि हमारे राष्ट्र के हीरो हैं और उनके ऊपर बिल्कुल बननी चाहिए और होपफुली कोई ना कोई आपका ऑफर उठाएगा और उनके ऊपर एक अच्छी सी पिक्चर बनाएगा। जी मेरा मानना है कि जब आप इस तरह का कैरेक्टर प्ले करते हैं जो इतना आइकॉनिक हो तो कोई नए एक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टार की इमेज होती है वो इमेज कभी कभार कैरेक्टर के ऊपर भारी पड़ जाती है, तो जब इतने आइकॉनिक कैरेक्टर हों जिनको सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है नए एक्टर को लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स गाइस। हाँ होपफुली, थैंक यू, थैंक सो मच, थैंक यू गाइस। मैम लेफ्ट, मैम लेफ्ट या लेफ्ट, हम लेफ्ट साइड नीचे, मैम मैम या हम लेफ्ट साइड नीचे, मैम मैम वन मोर योर गुड इवनिंग। पहली बार आप इस फिल्म के प्रमोशन, हम लोग कब से आपको ढूंढ रहे थे, सब कुछ बात करने में किया जो फारूक गोसाई लगते थे, तो हमने उनसे पूछा दिन कहाँ है आप, हाँ नहीं जुड़ी आप, अभी आया आई आई मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, आई स्पीक इन इंग्लिश। येस आई वॉज इन माई बैक होम टाउन डूइंग, करेंटली आई एम डूइंग अ कपल ऑफ साउथ इंडियन फिल्म, सो आई वॉज बिजी विद दैट। मोरओवर वी हैव बीन प्रमोटिंग इन द लास्ट फ्यू डेज, आई हैव बीन प्रेजेंट फॉर दैट एंड आई रियली एक्साइटेड टू बी हियर वॉचिंग द प्रीमियर्स हियर। Hopefully everyone will like it. It's a film that every Indian, everyone could be proud of. I hope you will all enjoy it. Supposed to be your first Hindi film? Yeah. First Hindi film? Yes. What are your expectations and how you perceive the Hindi film industry?
It's nothing like Hindi film and Tamil film or Malayalam film where I am more frequent in. It's just, you know, I'm happy to be playing Captain Dr. Lakshmi Sehgal, and I hope it's just, you know, even if it's in South India or it's in Hindi, it's all acting that we do. So I hope you like what I've done, what I've tried to portray with the help of Tishu sir and all the crew and co-stars. So let's see how it comes out. Mukesh Chabra, he found me through Instagram, and then I had to audition, and that's how I got into it. What is your favorite in the film industry? I won't be diplomatic. I'll be very truthful. I like Aamir Khan, Irfan Khan, Nazruddin Shah, then Nawazuddin Siddiqui. There are so many people. Shah Rukh, for sure. Many, many. Any female actresses? Pariniti, Alia, then so many. The current ones, Deepika, Priyanka, to all-time favorite. And which has been your favorite Hindi film in the recent times? Very recent. I loved Raman Raghav, Pink. So, yeah. कितना मुश्किल लक्ष्मी इज फ्रॉम केरला एंड आई एम फ्रॉम केरला टू लक्ष्मी इज अ वेरी वेरी बोल्ड एंड वेरी a very bold person who has got her own opinions for everything, who has a stand for all. But then she's also very jovial, you know. I could speak to a few close people of hers, and then I could know that she has another side where, you know, people loved talking to her. She was very, very chilled out person. And something that really touched my heart was Subhashini Ali ma'am, Lakshmi's daughter. After watching the premiere at the Rashtrapati Bhavan, she came to me, she hugged me tight, and she said, I could see my mother on the screen. She's a very difficult character to portray, and you've done it so beautifully. I wish you could have met my mother. She would have loved you. So that, I think that's the most cherishable comment I've got, and yeah, it's the most precious appreciation. Have you been to Mumbai before, or this is the first time coming to Mumbai? No, I've come to Bombay, but then nothing related to film. I've come to Bombay, like film related trips happened after Rakesh. Otherwise, I used to randomly come. Yeah. It was beautiful. Tishu sir, you know, award-winning director. Hey, I am an ardent fan of his acting in films. So definitely, it was a great experience. He gave us all the liberty to improvise, and you know, he has proper guidelines. So it was amazing working with him and the entire crew, Kunal, Mohit, Amit, Kenny. So it was great working with the team. Yeah, lots of Hindi film actresses from Hindi film industry, they have been from South, actually, and lots of others also. So we see you coming on those levels, like most people get reaching those levels. I can't say that. people have to say that, and you know, it depends upon how the work is accepted, and we can't just predict it. No plans, you know. I'm open to it. If I get offers, if it's worth doing it, I'll definitely take it. It's up, and that's it. Lots of actresses like Tapsi, Kajal Agarwal, Tamanna Bhatia, who are working in the South India. How do you see this connect? It's nice. Actors are always actors. You know, wherever they get the opportunity and good work to showcase their talent, I think they should take it up. Be it South India, North India, international films, wherever. I just said no. Subhashini Ali ma'am's comment was the most precious comment that I got. And then after premiere, when people say good things about your work, we feel so happy and proud. So yeah. Do you love singing and dancing, which is very prominent in South? I love
dancing, I'm a classically trained dancer. I'm a very bad singer. So even if I sing, you know, people wouldn't want to hear. So yeah, I love dancing. Have you by chance, like, I'm just trying to ask you something. Heard about the statement of Tapsee regarding female actors, females and the dancers, some kind of fruits on the body is mentioned. Have you heard about it? I didn't. Okay, fruits on the body? Yeah, it's a bunch of like the dancing place, the directors use food pieces like I haven't experienced any of such stuff, and then I don't know, it depends upon the character that you choose, and nobody will force you. If you don't want to do it, then just don't do it. Yeah. Such a brilliant answer. Nobody has given that. We are just amazed by your sense of wisdom. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure speaking to you all. Thank you. इंडस्ट्री के जो चंद अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर दैट आई एम गोना सी अ गुड फिल्म. थैंक यू. जिस तरह का फिल्म आप मुझसे पूछ रहे हैं वो फिल्म मैंने अभी देखी नहीं. मैं कैसे बताऊं कि मैंने देखी नहीं है कि नहीं देखी है? तो पहले देखने दो पिक्चर, उसके बाद में जरूर बताऊंगा तुम्हें. ठीक है. बढ़िया फिल्म है, देश के ऊपर है, सबको देखना चाहिए. स्पेशली फॉर अ पेट्रियट एंड यू लव इंडिया, यू मस्ट वॉच दिस. फिल्म बहुत बढ़िया लगी मुझे, बहुत ही कहानी मुझे पता नहीं थी ऐसा ट्रायल हुआ था, और बहुत देशभक्ति की पिक्चर है, काफ़ी फीलिंग आती है इसको, और एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, और मुझे बहुत ही अच्छी पिक्चर लगी, और सबका काम बहुत अच्छा था, कास्टिंग बहुत अच्छी थी, और बहुत रोंगटे खड़े हो गए थे.
इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जो हम बहुत से लोग नहीं जानते, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता था पर फिर भी बहुत कुछ नहीं जानता था, तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो हमारे देश की तरफ कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ऊपर बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जी जी वो कारगिल का वॉर एक्चुअली द्रास में हुआ था और वहाँ पे जो वॉर मेमोरियल है वहाँ देख के और वहाँ की जो ब्रिगेड है बहुत अच्छा लगा. आई थिंक सबको जाना चाहिए वॉर मेमोरियल द्रास में. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगी कि इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड फॉर दोज हु आर नॉट रियली अट्यून्ड और इन टच विद द हिस्ट्री और द टाइमलाइंस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट एंड स्पेशली स्टोरी दैट इज सो यूनिक, मुझे बहुत अच्छी लगी. I think it, everything pushes us direction to have the conviction to see a story that's so different, and as well as the fact that I think everyone's performed very well. Yara coming up and Sabash Naidu and Tamil Sabash Kundu in Hindi with my father and a lot more which I'll be announcing. मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती, आप जितना चाहे पूछो मैं आपको जवाब दूंगी ही नहीं. Oh God, I have nothing to say about nepotism. Please leave me out of this. Yes. It was wonderful, it was absolutely beautiful. बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ, फाइनली मुझे मौका मिला एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस. यस सॉरी यस इट्स जस्ट आई हैड वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद Himanshu sir एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम एज वेल टुडे एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ वंडरफुल फिल्म एंड आई कांट वेट फॉर एवरीवन टू सी Yara एज वेल. थैंक यू.